वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो उसके रिजल्ट में ये डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं। इन डिफरेंट फ्रैक्शंस में से जो गैसोलीन है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गैसोलीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिजल्ट में बहुत कम प्रोड्यूस होती है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिजल्ट में जो गैसोलीन प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ 20% और इसकी डिमांड, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हर जगह पेट्रोल यूज हो रहा है। गैसोलीन के लिए अब कॉमनली हमारी कंट्री में जो नाम यूज होता है वो पेट्रोल है। गैसोलीन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाता है। क्रैकिंग में क्या किया जाता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन की फ्रैक्शन ऑब्टेन होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिजल्ट में और उसकी डिमांड भी कम है, वो लेस डिजायरेबल। उसमें एग्जांपल आती है केरोसिन ऑयल की और गैस ऑयल की। इनकी डिमांड गैसोलीन के कंपैरिजन में कम है और इनकी क्रैकिंग करके यानी इनकी ब्रेक डाउन करके गैसोलीन बनाई जाती है उसकी हाई डिमांड को पूरा करने के लिए। क्रैकिंग को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन व्हिच आर मोर वोलेटाइल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चेन लंबी होती है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, उनकी ब्रेकडाउन की जाती है जिसके रिजल्ट में लोअर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, यानी कार्बन की चेन लेंथ छोटी हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट उनके लो होते हैं, उन्हें हम मोर वोलेटाइल कह सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें एग्जांपल आती है C16H34। ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है, इसकी डिमांड कम है, अल्केन है ये 16 कार्बन वाली। इसकी ब्रेकडाउन की जाती है। ब्रेकडाउन कैसे की जाती है? हाई हीट अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर कितना है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हाई टेम्परेचर पर ये जो अल्केन है इसकी ब्रेकडाउन होकर छोटे छोटे आप कह लें कि पीसीज बन जाते हैं। रिजल्ट में बनता क्या है? C7H16 हेप्टेन बनती है, इथीन के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और प्रोपीन बन रही है, यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनेंगे और हेप्टेन बनेगी। ये जो है ये गैसोलीन है और इसकी डिमांड ज्यादा है तो इसको लो डिमांड वाले कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। मेनली ये क्रैकिंग का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है जिसके रिजल्ट में लॉन्ग चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उनमें हमने देखा कि अल्केन भी बनते हैं और अल्कीन भी बनते हैं। प्रोडक्ट किस तरह की बनेगी, क्या उसकी कॉम्पोजिशन होगी, यानी गैसोलीन के अलावा ये जो बाय प्रोडक्ट साथ बन रहे हैं ये कितनी कितनी चेन लेंथ के और किस नेचर के बनेंगे, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। कंडीशंस क्या हैं क्रैकिंग की? अब क्रैकिंग को डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो है वो किया जा सकता है, वो कंडीशंस हम नेक्स्ट देखते हैं। तीन तरह की कंडीशंस हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग को देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। थर्मल क्रैकिंग, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हीट प्रोवाइड करेंगे, इसमें हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और साथ में हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जो हमने पहले इक्वेशन एज एन एग्जांपल देखी है उसमें थर्मल क्रैकिंग की हो रही है, जिसमें हमने देखा कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो थर्मल क्रैकिंग है इसका यूज क्या है?
इसके रिजल्ट में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जैसा कि हमने देखा इथीन बनती है और प्रोपीन बनती है। फिर इन बाय प्रोडक्ट्स को भी फर्दर यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप की जो क्रैकिंग है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह की क्रैकिंग में हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट के बारे में हम जानते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को इजी कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जैसे कि क्रैकिंग हाई टेम्परेचर पे होती है और अगर आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो क्रैकिंग के लिए टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, यानी लो टेम्परेचर पर भी क्रैकिंग पॉसिबल हो जाएगी विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्रैकिंग के टेम्परेचर को 700 डिग्री से कम करके 500 डिग्री पे कर देता है। प्रेशर भी लो अप्लाई अंडर लो प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल कैटलिस्ट। अब किस टाइप के कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन में यूज होते हैं क्रैकिंग में, दो एग्जाम्पल्स हैं सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3। ये कैटलिस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कैटालिटिक क्रैकिंग करने का फायदा क्या है? कैटालिटिक क्रैकिंग के रिजल्ट में जो पेट्रोल बनता है या जो गैसोलीन प्रोड्यूस होती है वो हाई ऑक्टेन नंबर वाली होती है। अब हाई ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन कैसी होगी? हाई ऑक्टेन वाली गैसोलीन जो होती है, ऑक्टेन नंबर वाली, वो हाई क्वालिटी की होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी होने की वजह से क्या होगा, अगर हम हाई ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल जब हम गाड़ी में यूज करेंगे तो इंजन में से कम आवाज आएगी, यानी इंजन में जो शोर पैदा होता है वो कम पैदा होगा। तो हायर ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन इसमें बनती है। और ये गैसोलीन कैसी होती है? ये स्ट्रेट चेन नहीं होती बल्कि ब्रांच होती है। फॉर्मूला इसका वही होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसको हम नेक्स्ट फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने हाई क्वालिटी या बेटर क्वालिटी की गैसोलीन बनानी है तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? कैटालिटिक क्रैकिंग का जो है वो मेथड अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसकी टाइप है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें स्टीम यूज होगी। स्टीम जो होती है उसके अंदर भी हीट होती है। स्टीम चूंकि हीटिंग के रिजल्ट में बनती है तो स्टीम के अंदर भी अपनी एक लेटेंट हीट होती है, तो उस हीट को यूज करके भी क्रैकिंग का प्रोसेस किया जा सकता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर फेज में लिया जाता है, गैसियस स्टेट में लिया जाता है और उसे मिक्स कर दिया जाता है स्टीम के साथ। स्टीम के साथ उसे अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्स किया जाता है और फिर फर्दर उसको कूल कर लिया जाता है। तो जब वो हीटिंग की स्टेट में होती है तो उसकी क्रैकिंग हो जाती है। इस प्रोसेस के रिजल्ट में भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ऑब्टेन। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये आज हमने क्रैकिंग पढ़ा है कि क्रैकिंग मेनली हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेकडाउन है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन लाइक गैसोलीन, और ये मेनली गैसोलीन बनाने के लिए ही यूज होता है क्योंकि गैसोलीन की डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑल अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी तरह के आगे लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।